comments. Hi. क्या हुआ? घर में सब मेरे टेंशन में क्यों है? पापा किधर चले गए? मम्मी ने कुछ बोला? What happened? He said, I'm there for you. खाना रखा है, खा लेना। वही दाल रोटी। बेटा, माँ आपके तो सब कुछ कितना अच्छा था। आई मिस यू मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। Shoes.
नहीं आ जाती, पापा मुझे नहीं संभाल पाते। और हो सकता है
बहुत अद्भुत प्रयास है। पहले तो मैं मुकेश छाबड़ा को और इनकी मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी का शुक्रगुजार है कि बॉम्बे शहर में बच्चों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ। एटलीस्ट 6 साल के बच्चे नौरस जान गए, आज देखा आपने नौरस परफॉर्म कर रहे थे, भरत मुनि और नाट्यशास्त्र क्या है उनको जानकारी मिल गई है, तो बेस ऐसी बन रही है तो आगे चल के कैसे बनेंगे अभिनेता। तो मैं तो खुद, मेरी बेटी आई थी, मुझे पता चला, तो शुक्रिया मुकेश का कि मेरी बच्ची के लिए, और भी पता चला अंडमान निकोबार से बच्ची आई है, आप इंदौर से आए हैं, और तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ था बॉम्बे शहर के लिए। थैंक यू दोस्त, तुमने प्रयास किया और बच्चों में एटलीस्ट वो भरत मुनि नौरस नाट्यशास्त्र इस उम्र में जान रहे हैं, तो आगे चल के वो हिंदुस्तानी थिएटर के लिए, हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए लीजेंड लोग इसी में से निकलेंगे। बहुत मुझे तो, मैं तो मिस कर रहा था कि हमें इस उम्र में तालीम नहीं मिली, थिएटर की ट्रेनिंग नहीं मिली, 10वीं के बाद मिली, इस उम्र में मिली होती तो इतना वक्त नहीं लगता। तो सर आपने कब सोचा कि दो फॉर्मेट, मतलब कॉन्सेप्ट में एक 6 से 12 साल के बच्चे को, दोनों को एक किया? आई थिंक बहुत बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि जब मैंने ज़िंदगी की शुरुआत करी थी, बच्चों की कंपनी में नौकरी करने की शुरुआत करी थी, मैं बच्चों के साथ दिल्ली में वर्कशॉप्स करता था, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान में था कि दिल्ली में ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए जो समर कैंप बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जो एक्टिंग पे फोकस ना करते हुए ओवरऑल पर्सनैलिटी पे उतने फोकस होते हैं, तो इस इनिशिएटिव को मैंने बहुत सालों से ध्यान में रखा था, लेकिन जब वक्त आता है तो चीज़ें तभी बनती हैं। जो नन्ही खिड़कियाँ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया जो बच्चों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग समर कैंप हो, जहाँ पर वो क्रिएटिव भी रहें और रियल भी रहें और अपने आप को ग्रो करते रहें, दैट्स द होल आइडिया। हमने बुमंग उत्साह देखा बच्चों का, कितनी एनर्जी में नाच रहे हैं, मतलब मेरी बेटी बोल रही थी यार बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, ये थोड़ा और लंबा चलता। खैर आप पूछ रहे थे कुछ, मैंने खिड़कियों की बात करी, आपकी लाइफ में ऐसी कुछ होप हो या कुछ जो आप शेयर करना चाहें, बचपन की कोई यादें जो आज दोस्त, वो खिड़कियाँ ही तो सब जीवन में करती हैं, खिड़कियाँ ना हो तो हम फिर एक संसार खिड़की के अंदर होता है, एक दुनिया खिड़की के बाहर होती है, तो इन नन्ही खिड़कियाँ हैं, इन नन्हे बच्चों को एक दूसरे संसार में ले जाएगी, जो क्रिएटिविटी का संसार है, आर्ट एंड कल्चर का संसार है, सिनेमा थिएटर। ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात मुकेश ने बोली कि कौन इसमें एक्टर बनेगा, कितना इसमें एक्टर बनेगा, कौन स्टार बनेगा पता नहीं, बट अच्छे इंसान तो ज़रूर बनेंगे। तो थिएटर की जो टाइम है, जहाँ मुकेश का लंबा अनुभव है थिएटर इन एडुकेशन कंपनी में काम करने का, तो ये बेहतर इंसान बनाते हैं, तो अद्भुत है यार, ये तो सोसाइटी के लिए मतलब एक किस्म से बड़ा ज़रूरी काम है ये जो कर रहे हैं, मुकेश दे रहे हैं, और होपफुली अगले साल और बड़े स्केल पे होगा ये। अरे यार हरजीता बड़ी हिट हो रही है, मुझे खबर मिल रही है अभी, दद्दू का फ़ोन आया, मैं अंदर था नहीं उठा पाया, हरजीता काफ़ी पसंद की जा रही है, मुझे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से मेल आ रहे हैं कि इंटरव्यू करना है, एक पंजाबी फिल्म है और बायोपिक है, और मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रोल है उसमें, कोच बना हूँ, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और मैं खुश हूँ कि एक नई टेरिटरी में गया हूँ, वहाँ भी फिल्म पसंद की जा रही है जी। अच्छा ही लगता है यार, पंजाबी हो तमिल हो, हम तो अभिनय करते हैं, भाषा कोई भी हो, मेरे लिए टास्क ये था कि मुझे बहुत कठिन पंजाबी नहीं बोलनी थी, मेरा किरदार बाहर से आता है पंजाब में, तो वो टूटी फूटी पंजाबी बोलता है, बट लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उस रोल को और उस फिल्म को, ये फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुकी है 3 दिनों में ही। थैंक यू। यह मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि लोगों को, अगर मैं उनके लिए एक ज़रिया बनता हूँ, अगर मैं जितने लोगों को मदद कर सकता हूँ तो मैं तो करूँगा, बिकॉज मैं इस शहर में खुद एक स्ट्रगल से गुजर कर आया हूँ, अगर मैं उनका एक ज़रिया बनता हूँ उनको एक जगह तक ले जाने का, तो इसलिए शायद वो मेरे पास आते हैं, तो वो रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, इसलिए मैं ये खिड़कियाँ थिएटर फेस्टिवल करता हूँ, फिर बोलती खिड़कियाँ करता हूँ शॉर्ट फिल्म के लिए, बच्चों के लिए नन्ही खिड़कियाँ करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ उनके लिए करता रहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कास्टिंग ही नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके, अगर उनको ये उम्मीद मुझसे मिलती है मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर उनके लिए मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ और मेरे पास उनकी वो इतनी उम्मीद लगाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं मुंबई के बाहर अभी इस वर्कशॉप को मैं चंडीगढ़ में भी कर रहा हूँ, दिल्ली में भी कर रहा हूँ, अहमदाबाद में भी कर रहा हूँ,
तो मैं नन्ही खिड़कियाँ पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए करूँगा ताकि और नए बच्चे आए, नया टैलेंट आए, क्योंकि मैंने चिल्लर पार्टी, दंगल, बजरंगी भाईजान, ट्यूबलाइट, हर फिल्म में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, तो ये वर्कशॉप मैं और करता रहूँगा। खिड़की थिएटर फेस्टिवल को भी बॉम्बे से शहर से बाहर लेके जाऊँगा, बोलती खिड़कियाँ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को भी बाहर लेके जाऊँगा, उसमें भी पंकज भाई आए थे जो मैंने शॉर्ट फिल्म भी बनवाया, तो ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहूँगा ताकि अपने आप को और बिजी रखूँ और क्रिएटिव रखूँ। यार हमको मिलेगा तो हम जरूर करेंगे, दिलवाओ तुम। अरे बिल्कुल, बच्चों का मैंने अभी एक स्टार के लिए भी एक शो किया, इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार, उससे पहले मैंने एक टिकट टू बॉलीवुड किया था। ऐसा कोई बच्चों का टैलेंट शो होगा जहाँ पे मुझे जेन्युइनली ऐसा कोई टैलेंट ढूंढने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा, और पंकज भाई साथ में होंगे तो एक्टिंग तो सॉलिड है, मैं तो खेलता रहूँगा। तो आज हम भी खुलेआम बोल देते हैं भाई कि हम हाँ करेंगे, हम दोनों रेडी हैं, जो भी चैनल्स के हेड देख रहे हैं थोड़ा सा धन लाओ, हम रेडी हैं। यार आई लव्ड इट, हमारे तो उस फिल्म का हिस्सा भी हूँ मैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो ऐसी, क्योंकि ऐसी फिल्मों को देखकर तो हम कमर्शली बहुत बड़े लेवल पर हैं, तो मैं तो हर तरह की फिल्मों को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं सिनेमा से प्यार करता हूँ, मैं सिनेमा को, सिनेमा के लिए कुछ भी करता हूँ, तो मेरे लिए तो वो इंटरटेनिंग है, मैं बहुत अच्छा लगता है। यार वो फिल्म की स्टारकास्ट ऑलरेडी थी, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत आगे पीछे जो काम किया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और फ्रेंचाइज को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पंकज सर आप रोमांटिक जॉनर में भी दिखाई देने वाले हैं। हाँ हाँ, क्या आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, अभिनेता है यार, तो हर किस्म के काम करना चाहिए, और अच्छी बात है कि इस वक्त में मौके मिल रहे हैं, लोग हर किस्म का रोल दे रहे हैं। नहीं, रोमांटिक टैग की बात होती है तो आपने लंबा अरसा दिया है इंडस्ट्री को, अलग-अलग तरह के किरदार किए हैं, अक्सर देखा गया है जैसे नवाज उद्दीन, उन्होंने एक बार रोमांटिक मूवी की, उसके बाद कहा कि मुझे बड़ी पसंद है, मैं रोमांटिक मूवी, ऐसा कुछ आपका टेक है? मेरा तो हर रोल रोमांटिक रोल होता है, मैं तो सुल्तानपुर ऐसे भी रोमांस ही करता था भैंसों से। थैंक यू, शुक्रिया दोस्त।